तो दोस्तों SRF ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया गया, मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी नंबर कैसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3053 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3778 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 3570 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास का जंप है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 3570 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू शो किया ऑपरेशन के थ्रू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 3500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने में। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2723 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3067 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 3149 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने मिले, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे साल दर साल आपको ज़्यादा देखने को मिले। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 562 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 422 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 26 से 27% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है, बेसिकली ये जो कंपनी है साल दर साल ही काम करती है, मतलब सेक्टर जो है ये साल दर साल परफॉर्मेंस पर जज किया जाता है। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 422 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि 395 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस मामले में देखें तो कंपनी के नंबर अभी भी आपको बेहतर देखने को मिले, क्योंकि मार्केट एस्टीमेट से बेहतर अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें, पिछले क्वार्टर में 8.5 पर, पिछले साल 19 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 14 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए मार्केट की जितनी उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर उससे तो बेहतर नंबर कंपनी ने शो किया है, ये तो अलग बात है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो बेहतर आपको देखने। हालांकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मार्केट की एस्टिमेट से देखें तो अभी भी कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।